नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत शर्मा है और आज मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। एक मुख्य टॉपिक जो कि मैं अपनी पर्सनल ओपीडी में रोज देखता हूँ, जो कि मेरे पास पेशेंट आते हैं। बहुत से लोगों में एक ही परेशानी है, वो है कुपोषण, बहुत ज़्यादा कमजोरी और बहुत ज़्यादा पतला होना। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वो बहुत पतले हैं। ये चीज़ में पतलापन कई बीमारियों के कारण भी होता है और इसके कई मुख्य कारण हैं जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे मुख्य कारण जो है वो मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ आपको अभी। ये एक माल न्यूट्रिशन है, इसे कहते हैं हम कुपोषण। कुपोषण कब होता है? जब हमें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, जब हमें 3 टाइम का खाना नहीं प्राप्त हो पाता है। जैसे कि सुबह उठ के हमें बिस्किट और चाय लेना चाहिए या फिर दूध या बिस्किट लेना चाहिए, फिर हमें नाश्ता करना चाहिए जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर हमें 11:30 बजे एक फल खाना चाहिए 100-200 ग्राम तक, और फिर उसके बाद हमें लंच करना चाहिए। लंच मतलब दिन का खाना, जो कि 1:30-2 बजे करते हैं। जब कभी भी हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं या बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं अब हमारा लंच का समय हो गया है, जो कि बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को कम से कम 5 बार खाना खाना चाहिए, पर इनमें 3 चीज मुख्य है, वो है सुबह का खाना, दिन का खाना और रात का खाना। पर उसके बीच में हमें कुछ थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, जैसे चाय बिस्किट ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो पा स्वस्थ रहता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, हम बहुत ही थक जाते हैं बहुत जल्दी, और हमारा शरीर बहुत ही कमजोर दिखने लगता है, हम बहुत पतले हो जाते हैं। तो मेरा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो इसीलिए है ताकि हम समझें और मैं बता सकूं कि क्या कारण है। जब कुपोषण का इंसान शिकार होता है, कोई भी मनुष्य, तो उस समय क्या होता है कि उसको बहुत सी बीमारियां लगने लगती है, खांसी, जुखाम, सर्दी, बुखार, थकावट, और हर चीज से वो परेशान रहने लगता है। तो इस चीज का हम कैसे करें सॉल्यूशन? इसका एक ही है, वो है हमें खाना खाना पड़ेगा। पर इसमें भी कई समस्याएं, कई बार भूख का ना लग पाना कि भूख इतनी लगती ही नहीं, खाएं कैसे, ये भी एक प्रश्न है। तो इसके लिए हम कई बार कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे भूख बढ़ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बीमारियां के कारण भूख नहीं लग पाती है इंसान को, या कई बार ऐसा होता है, एक डिजीज है, नाम होता है इसका सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज इंग्लिश में कहते हैं इसको, जिसे हम कहते हैं कि इसमें बीमारी होती है ग्लूटन। ग्लूटन जैसे हम ग्लूटन राइस, जैसे चावल जो होता है, चावल वगैरह हम इसमें दे सकते हैं पेशेंट को, और जैसे गेहूं है, वीट से एलर्जी होती है, जो से एलर्जी होती है, तो गेहूं इस बीमारी में बंद कर दिया जाता है। इस बीमारी को अगर हमें पहचानना है तो बचपन में ही बार बार दस्त का होना, बच्चे का बहुत पतला रहना, तो ये हम एक TTG का टेस्ट कराते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है टेस्ट, तो इसका मतलब हमें गेहूं का बंद करना है, जो भी गेहूं की चीजें। पर मेरे दोस्तों, कई बार और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे आदमी का शरीर बहुत पतला हो जाता है, जैसे थायराइड। थायराइड में भी एक बीमारी होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके लिए हमें थायराइड की जांच करानी चाहिए, TSH की, टेस्ट की। फिर इसी को देख के हम बता सकते हैं कितनी दवाई चालू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें पतला क्यों हो जाता है थायराइड में? सीलिएक में तो बार बार दस्त रहते हैं, इंटेस्टाइन हमारी मजबूत नहीं होती, एलर्जी गेहूं से होती है। पर हाइपरथायरॉयड में क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, इंसान बहुत एक्टिविटीज करने लगता है, बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है। हाइपरथायरॉयड के केस में उसके ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है और वो बहुत पतला हो जाता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, बहुत एंजाइटी वाला पर्सन रहता है, हाथ पर कांपते हैं, फ्रैंक ट्रेमर्स वगैरह रहते हैं। तो ये हाइपरथायरॉयड में आदमी बहुत पतला रहता है। अगर यही बीमारियां अगर बच्चों में है और वो कुपोषण का शिकार है, तो उनके दिमाग का भी विकास नहीं हो पाता है। अगर हम बड़ों की बात करें तो उनके बालों का झड़ना रहता है, और
कहीं पे भी उनको नींद आ जाती है और वो बहुत थके हुए रहते हैं, तो उस केस में हमें सबसे पहले जो करना है वो सुबह का व्यायाम है, 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है। जो भी मनुष्य पैदल चलेगा उससे उसका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। बाकी हमें कुछ बीमारियां हैं, एक एडिसन डिजीज भी होती है एंडोक्राइन की, उसमें भी शरीर बहुत पतला हो जाता है। ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें इंसान बहुत पतला हो जाता है। कई बार और भी पतला होने का कारण है गैस्ट्राइटिस, जो कि बहुत ही कॉमन एक बीमारी है हमारे इंडिया में। लोग बहुत ही इस चीज का शिकार है क्योंकि उनका खान पीने का समय सही नहीं है। फिर कुछ आंतों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, कुछ कॉन्जेनाइटल होती हैं। अगर हम बीमारियों की बात करें तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पर ये जो मेन चीजें हैं वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर हम मुख्य बात करें तो वो है सिर्फ हमारा लाइफ स्टाइल। तो 3 से 5 किलोमीटर इंसान को पैदल चलना चाहिए। मेरी बात यही ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मिलना है, ताकि वो आपकी जांचें कराए। अगर जांचें सभी नॉर्मल आती हैं तो अगर जांचों में कोई भी खराबी है तो हम उस कारण को ठीक करेंगे जिससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। और अगर जांचों में कोई भी कारण नहीं आता जैसे कि, तो फिर हम ये डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। डाइट एक्सरसाइज हमें हमेशा फॉलो करनी है, अगर कोई बीमारी आती है तो भी हम फॉलो करेंगे। बाकी मैं कुछ चीज बताता हूँ, जैसे HIV AIDS आपने नाम सुना ही होगा सभी ने, ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज सिचुएशन है, मतलब इसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बाकी अगर हम TB की बात करें तो इनमें 10 किलो वजन गिर जाता है। बाकी हम कैंसर की बात करें तो कैंसर में भी वजन गिर जाता है। तो हमें मुख्य मुख्य कुछ बीमारियों के बारे में पहले जानना होता है, या फिर कोई गठिया वगैरह की हम बात करें, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून कुछ बीमारियां होती है हमारे शरीर में जिनसे वजन गिर जाता है, तो हमें इसका भी इलाज करना है। और 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है, और बाद में हमें सुबह 7-7:30 के बीच में 1 कप चाय लेनी होती है, 2 बिस्किट के साथ ले सकते हो आप। बाकी आपको 8:30 से 9 बजे के बीच में नाश्ता करना होता है। फिर अगर हम बात करें तो 11:30-11 के बीच में आप कोई फल ले सकते हैं, 100 ग्राम मतलब एक मुट्ठी 100 ग्राम तक कोई भी फल ले लें, 100-200 ग्राम। फिर आपको 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच करना होता है, जैसे कि अंग्रेज लोग करते हैं लंच। फिर आपको 5-5:30 बजे के बीच में, जैसे ऑफिस में कोई भी चाय पीता है तो चाय बिस्किट लेना होता है, चाय खाली नहीं पीनी होती है क्योंकि इससे गैस बनता है पेट में। और फिर आपको 8:30 रात को डिनर करना होता है, मतलब रात का खाना खाना है। और सोते समय आप 1 गिलास दूध पी के सोए, 1 गिलास दूध। तो इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, इससे यही आपको फायदा होगा कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप बहुत बहुत पतले हैं, आपको बहुत थकान होती है, तो ये डाइट फॉलो करें। अगर आप 1 कप चाय और 2 बिस्किट लेते हैं तो इससे पेट नहीं भरता है कभी भी, पर क्या है जो हमारा लीवर है, अगर हम भूखे रहते हैं बहुत लंबे समय तक तो ये ग्लूकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाता है, ये तोड़ने लगता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लीवर कमजोर होने लगता है। और इसलिए हमें हर थोड़े थोड़े समय में अंतराल में कुछ ना कुछ खाना होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स। अब जैसे हम बात करें 8:30-9 बजे, तो नाश्ते में क्या ले, एक पोहा ले सकते हो, कटोरी छोटी कटोरी दलिया ले सकते हो, या फिर उपमा ले सकते हो, या 1 गिलास दूध ले सकते हो। बाकी 11:30-11 बजे हम ले सकते हैं क्या भाई, 100 ग्राम फल। आपने 1 मुट्ठी अनार खा लिया तो उससे पेट नहीं भरेगा, पेट बिल्कुल नहीं भरेगा, पर फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी मिल जाएगा। फिर हम लंच करेंगे तो लंच में प्रश्न उठता है क्या ले लें, जैसे 2 रोटी हम ले सकते हैं बिना घी तेल की, या फिर अगर हम बहुत पतले हैं तो घी लगा सकते हैं उस पे। और हमें सब्जियां खूब सारी खानी होती है, छाछ लेनी होती है। फिर हम 5:30-5 बजे चाय और बिस्किट लेंगे तो इससे भी हमारा पेट नहीं भरेगा, पर 8:30-8 बजे हम 2 रोटी खूब सारा सलाद ये सब ले सकते हैं, और सोते समय 1 गिलास दूध पी के हम सोए। तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे, इन फायदों से हमारा शरीर बन जाएगा और हम डॉक्टर की राय ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो कि शरीर स्वस्थ कैसे बनाएं, बाकी आजकल कुछ एक्सरसाइजें हैं, जिम भी आप कर सकते हैं, पर उसमें वो जो पाउडर देते हैं सप्लीमेंट जो स्टीरॉइड्स के रहते हैं वो कभी नहीं लेनी चाहिए, उससे शरीर बहुत खराब हो जाता है।
बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जब तक आप लोगे तब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसके बाद डाउन हो जाता है। तो मेरी राय ये है, डाइट और एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है वो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। और आज के लिए ही इतना ही, और बाकी हमारी ट्रायल्स चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 1 महीने में 3 किलो वजन बढ़ाते हैं अगर कोई बहुत कमजोर है तो, और किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो वो भी कम हो जाता है हर महीने में 3-3 किलो के अनुसार। सो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हो, या तो आपको मोटा होना है, या आप मोटा होने से मतलब क्या है कि हमें स्वस्थ होना है अगर बहुत पतले हैं तो, और अगर बहुत मोटे हैं तो हम कैसे पतले हों, ये भी एक प्रश्न है। मेरा यही लेक्चर है जो मैंने आपको हिंदी में दिया है, बाकी मेरे सारे लेक्चर्स इंग्लिश में हैं। अगर ये भी मेरे डिमांड्स थी पेशेंट्स की और बहुत सारे लोगों की कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी ने ध्यान दिया होगा, और इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद।